मध्य प्रदेश में किसके बनेगी सरकार, टिकट वितरण के बाद सबसे बड़ा सर्वे। ग्राउंड रिपोर्ट में क्या है मालवा और ग्वालियर चंबल का हाल। सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस के लिए इस बार आसान नहीं दिख रहे हालात। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में ग्राउंड रिपोर्ट और तमाम न्यूज चैनलों की सर्वे रिपोर्ट में भारी अंतर दिखाई दे रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट में हालात बिल्कुल उससे अलग बताए जा रहे हैं जो न्यूज चैनल के सर्वे में बताए जा रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर है, मुकाबला कांटे का माना जा रहा है और जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के होश उड़ा रखे हैं। मध्य प्रदेश की 230 सीटों में दोनों दलों के टिकट तय कर दिए गए हैं और टिकट वितरण के बाद दोनों ही बगावत का सामना कर रहे हैं। वैसे नाराजगी को काफी हद तक दूर कर लिया गया है, लेकिन टिकट नहीं मिलने से नाराज दोनों ही दलों के नेता बगावत कर चुनाव लड़ते भी दिख रहे हैं और ये दोनों ही ओर बराबर दिखाई दे रहा है। बीजेपी में 34 नेता बगावत कर दूसरे दल या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस में यह संख्या 35 है। अधिकांश बागियों का ठिकाना सपा, बसपा और आप बनी है और ये तीनों ही पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी के बागियों पर खुलकर दांव भी लगा रही हैं। धड़ाधड़ पुराने उम्मीदवार बदले जा रहे हैं। बागियों ने दोनों ही दलों के समीकरणों को बिगाड़ दिया है जिस कारण से कई सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई के हालात बन गए हैं। यानी इस बार कोई एक एरिया सरकार बनाने और बिगाड़ने की हालत में नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ा उलटफेर इस बार मालवा और ग्वालियर चंबल में होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि न्यूज चैनल के सर्वे बता रहे हैं कि मालवा में बीजेपी को लीड मिल रही है तो ग्वालियर चंबल में कांग्रेस स्वीप कर रही है, लेकिन टिकट वितरण और उसके बाद दोनों ही दलों में हुई बगावत के चलते हालात बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात, इस रीजन में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही ओर से बराबर की बगावत दिखाई दे रही है। ग्वालियर चंबल रीजन की बात करें तो चंबल रीजन की 13 सीटों में से बीजेपी के अंदर ज्यादा बगावत दिखाई दे रही है। 13 सीटों में से 6 सीटों पर तो बीजेपी के बागी उसके सामने आ गए हैं। मुरैना, भिंड, लाहार, अटेर में तो बीजेपी के बागी ने पार्टी के समीकरण ही बिगाड़ कर रखे हैं। तो कांग्रेस में सिर्फ एक सीट पर बगावत के हालात हैं, लेकिन ग्वालियर रीजन में कहानी पूरी तरह से बदली हुई है। यहाँ की 23 सीटों में 5 पर कांग्रेस के बागी मैदान में डटे हुए। वैसे बगावत की आवाजें तो बीजेपी के अंदर से भी आई थी, लेकिन पार्टी डैमेज कंट्रोल में सफल हो गई और जो ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें 12 सीटों पर बीजेपी और 16 पर कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही है, जबकि 6 सीटों पर दोनों ही दलों के बीच कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। इसी तरह से मालवा के सबसे बड़े गढ़ इंदौर रीजन की बात की जाए, यहाँ की 37 सीटों में से बीजेपी में 7 तो कांग्रेस में 8 पर उसके ही दल के बागी सामने हैं, जो पार्टी की मुसीबत को बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ एक बार फिर से कांग्रेस को ही बढ़त मिलने की संभावना जताई जा रही है। 37 सीटों में से कांग्रेस 17 तो बीजेपी 13 सीटों पर मजबूत दिखाई दे रही है। 7 सीटों पर कांटे की टक्कर के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। अगर पूरे मध्य प्रदेश की ग्राउंड रिपोर्ट को देखा जाए तो बीजेपी 100 और कांग्रेस 89 सीटों पर बेहद मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। अगर कोई बड़ा उलटफेर नहीं होता तो इतनी सीटें दोनों ही दल आसानी से जीतते दिखाई दे रहे हैं। सरकार किसकी बनेगी ये 41 सीट तय करेगी। जो दल 41 सीटों में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कब्जा करने में कामयाब रहेगा सरकार उसकी ही बनेगी। लेकिन ये जरूर साफ दिखाई दे रहा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार कांटे का मुकाबला है और सरकार किसकी बनेगी ये 3 दिसंबर को ही साफ हो पाएगा। तब तक कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही ओर से बड़े बड़े दावे जरूर होते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज़।